हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Redmi 13 से Android मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल फोन की इनकमिंग कॉल अगर स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होती है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे फोन पे जब भी इनकमिंग कॉल आता है ना तो रिंगटोन की साउंड की आवाज आती है लेकिन इनकमिंग कॉल स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होता है, मतलब कि दिखाई नहीं देता है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों, आपको जो है ना सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन को रिबूट करना है। फोन को रिबूट करने के लिए आपको फोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है, आपकी स्क्रीन के सामने पेज आएगा, इसमें देखिए रिबूट का ये ऑप्शन है, इसे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो गया, ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रिबूट करने से ये होता है, हमारे फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो सॉल्व हो जाती है फोन को रिबूट करने से, ठीक है। अब दोस्तों आपको अगला प्रोसेस यहां पे करना क्या है कि आपको जो है अपने मोबाइल फोन का जो कॉलिंग का ऐप है, इस कॉलिंग के ऐप को रीसेट करना है, यानी कि इस कॉलिंग के ऐप का डेटा क्लियर करना है। कैसे, देखिए अगर आप इस कॉलिंग के ऐप को उंगली से दबा के रखेंगे आपका एक छोटा सा पेज ओपन हो जाएगा इस तरीके का, इसमें आपको ये ऐप इन्फो लिखा हुआ मिलता है, इसे आपको टैप करना है या फिर सर्कल के अंदर जो आई बटन है इसे टैप करना है, आपका ये पेज ओपन होगा। इसमें आपको स्टोरेज का ऑप्शन टैप करना है, इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये क्लियर डेटा का ऑप्शन टैप करना है, आपका पेज ओपन होगा। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पहले तो आपको है ना इसे नीचे वाला एक क्लियर कैच का ऑप्शन टैप करना है, अब आपको नीचे इसे ओके कर देना है, तो आपका ये जो कैच के सामने वाला डेटा ये आपका जीरो हो जाएगा। इसके बाद आपको दोबारा से क्लियर डेटा पे टैप करना है, आपका ये डिलीट ऑल डेटा का पेज आएगा, इसमें आपको ओके करना है, तो आपका ये जो डेटा के सामने वाला डेटा ये भी आपका जीरो हो जाएगा, इन दोनों को जीरो करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना कॉलिंग का ऐप ना रीसेट करना है, जिससे आपके फोन की जो इनकमिंग कॉल स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होती है, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है, देखिए आपको अपने मोबाइल फोन का ना सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है हमारे फोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर कभी फोन में अपडेट आ जाता है हमें पता भी नहीं लगता है। अगर मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता ना तो इससे हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में भी कुछ कमियां आने लगती हैं। तो आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं आपको चेक कैसे करना है, सबसे पहले फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर ये अबाउट फोन के सामने अगर इस तरीके का ये अपडेट का बटन दिखाई देता है तो इसे आपको टैप करके अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, जिससे आपके मोबाइल फोन की जो इनकमिंग कॉल स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होती है ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट कर देना है, अदरवाइज फोन को रीसेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पे टैप करना है, यहां पर सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, रीसेट या फिर फैक्ट्री रीसेट, इन दोनों में से एक लिखना है। आपको नीचे की साइड ना फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन शो होगा, इसे टैप करना है, आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग पेज में लाएगा। आपको नीचे की साइड ये इरेज ऑल डेटा का ऑप्शन टैप करना है, इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की जो इनकमिंग कॉल स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होती है प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद आपको फोन को रीसेट करना है, ठीक है। मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपके फोन की जो इनकमिंग कॉल स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होती है ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना, अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर चले जाना है, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी जिसकी वजह से आपकी इनकमिंग कॉल स्क्रीन के ऊपर शो नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताया ना वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताया, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है।